हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के Mi Mix 2 या फिर Mi Mix 2S के क्लोन वाले स्मार्टफोन की, जिसमें आप लोग को स्टोरेज, रैम, सब कुछ आपको जो ठीक ठाक सा मिल जाता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी चाइनीज स्मार्टफोन्स आपको आज की तारीख में मिलते हैं, जो चाइना से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, इनमें सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ये मार खा जाते हैं उनके कैमरे से और उनके प्रोसेसर से। तो मेरे पास एक और फोन आया जो है कूलनी का K1 ट्रायो, जिसके बारे में आपने शायद से कभी भी सुना नहीं होगा। और ये वाला स्मार्टफोन आपको कुछ Xiaomi के Mi Mix जैसा क्लोन मिलता है और आपको अच्छे खासे फीचर्स तो मिल जाते हैं। और मैं आपको ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, इसकी लिंक मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा परचेस करने के लिए, लेकिन बस एक फन है थोड़ा सा, आपको मैं इसकी अपनी ओपिनियन दे दूंगा। और इस पे कस्टम वगैरह तो मुझे कुछ नहीं लगा, तो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं आपको रेकमेंड कर ही नहीं रहा हूं। तो ये फोन है वर्थ नहीं है, बस खाली कुछ चीजें आपको अच्छी मिल जाती है जो वर्थ है, इंडिया में उससे बेटर फोन आपको मिल जाते हैं। तो हम क्यों वहां से 18,000 रुपए खर्चा करके ऐसा फोन मंगाए जिससे अच्छा हम कुछ और पैसे डाल के नोकिया 7 प्लस या फिर Xiaomi के फोन से और Asus के फोन से जो ले सकते हैं। तो खैर जो भी है, फिर भी आपको कूलनी के बारे में एक अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं और देख लेते कि ये फोन में कितना दम है। और ज्यादा कुछ नहीं, इसके अनबॉक्सिंग जो वो शुरू करते हैं। बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, सामने की तरफ लिखा है कूलनी K1 ट्रायो, और ये चाइनीज मार्केट के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन इंडियन मार्केट में इससे बेटर फोन अभी आज मार्केट में मिल जाते हैं। अभी स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ तो काफी अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर इस तरीके का प्रोसेसर इस प्राइस में जो वो मजा नहीं आती है। आपको हीलियो का P23 वाला प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का, जो कि 2 GHz पे क्लॉक्ड है। एंड्रॉइड 7 मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक के फीचर आ जाते हैं, 6 GB की रैम मिलती है और 128 GB की स्टोरेज मिलती है। ये काफी वर्थ नोटिसिंग है और ये काफी अच्छी बात है कि आपको इस प्राइस में एटलीस्ट 6 GB और 128 GB की स्टोरेज मिल रही है। डुअल सिम मिलता है, 4200mAh की आपको बैटरी मिलती है, 6 इंच की आपको यहाँ पे एक फुल HD वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको एक बेजललेस डिस्प्ले मिलता है। 16+2 MP का आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है और 8 MP का आपको जो वो सेल्फी मिलता है, और बाकी सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो वो देखने को मिल जाते हैं। तो स्पेसिफिकेशंस अच्छे है, बुरे नहीं है, बस प्रोसेसर अगर मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्नैपड्रैगन के 630 या 636 यूज कर लेता ना, तो ये एकदम से किलर बन जाता था। बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है इसके अंदर। तो ये आप देखेंगे आपको कुछ बैक केस हमेशा की तरह चाइनीज फोन में मिल जाते हैं और वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये आ गया हमारा फोन, तो आप देखेंगे फोन आपको कुछ इस तरीके का मिलता है और फोन की डिजाइन काफी प्रीमियम है। ऑब्वियसली 6 इंच का आपको डिस्प्ले मिलता है, तो काफी बड़ा सा फोन आपको मिल जाता है एकदम से। आपको ऊपर काफी लेस बेजल मिलते हैं, तो उसकी ब्यूटी काफी अच्छी है। और नो डाउट फोन की फिजिकल लुक की बात करूं तो फोन काफी अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको चार्जर और आपको यहाँ पे केबल देखने को मिल जाते हैं, और केबल देखेंगे तो आपको ये केबल मिलता है जो माइक्रो USB केबल है, ये टाइप सी केबल नहीं है, और साथ में चार्जर है कुछ इस तरीके का, आपको चार्जर मिलता है वो भी आपको बता देता हूं। और ये है चार्जर जो कि 5W 2A वाला चार्जर है, जो कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो ये है फोन, आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी प्रीमियम है। आप देखेंगे पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन मिलती है, और सामने की तरफ ये फोन हालांकि थोड़ा सा बल्की है, और 6.01 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है, फुल HD का रेजोल्यूशन है, तो सब कुछ अच्छा मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी अच्छा है, और नीचे की तरफ आपको 3.5 में ऑडियो जैक भी मिल जाता है, एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल वगैरह। चलो ठीक है, फोन को ऑन करते हैं, मेन खेल इसका डिस्प्ले, तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको इसका कुछ डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले की क्वालिटी जबरदस्त है, यहाँ पे नो डाउट डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, और ऊपर की तरफ देखेंगे काफी लेस बेजल आपको मिल रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है, जैसे कि Xiaomi के Mi Mix की जो डिजाइन होती है कुछ इसी तरीके का आपको यहाँ पे मिलता है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में जाते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस को यहाँ पे कम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एंड्रॉइड 7.1.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की, जो उसकी हाइलाइटिंग फीचर है, आप देखेंगे आपको यहाँ पे 128 GB की स्टोरेज में से 8.21 GB यूज दिखा रहा है, और रैम की बात करें तो 6 GB की रैम, उसमें से 4.5 GB के आसपास रैम फ्री मिल रही है। स्टोरेज और रैम से नो प्रॉब्लम, डिस्प्ले से नो प्रॉब्लम, बिल्ड क्वालिटी से नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे इसके प्रोसेसर और इसके कैमरे से। रियर कैमरा इसका ठीक है, नो प्रॉब्लम, रियर कैमरे से अच्छे खासे पिक्चर्स थोड़े बहुत ले लेता है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट का तो एकदम से पूछो मत, बहुत ही घटिया सी क्वालिटी आ रही है। मतलब अजीब लग रहा है कि अगर आप इतना पैसा किसी फोन पे स्पेंड करें तो एटलीस्ट आप चाह रहे हैं कि एक आपको बेटर सेल्फी वाला फोन मिले। यही कुछ क्रिटिसिज्म है मेरी, और कुछ नहीं है। तो ज्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं, हाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, यहाँ पे होम बटन, उसके अंदर ये टच सेंसर जैसा काम करता है, सिर्फ टच करना है और ये ओपन हो जाएगा। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर एटलीस्ट यहाँ पे आप देखेंगे 1 सेकंड के आसपास तो टाइम ले ही लेता है, आप देखेंगे ये देखेंगे हाँ, तो 1 सेकंड के आसपास जो टाइम लेता है, उसमें फेस अनलॉक भी आपको मिल जाता है, और आप देखेंगे आपको इस तरीके की कुछ इसके ऐप ड्रॉअर मिलते हैं वगैरह वगैरह की चीजें आपको नॉर्मल से जो वो देखने को मिल जाती है। तो ज्यादा कुछ दिखाने को खास है नहीं इस फोन के अंदर। Helio का P23 वाला आपको जो प्रोसेसर मिलता है तो वो इस प्राइस में जस्टिफाई नहीं है, आपको बहुत सारे अच्छे खासे प्रोसेसर इस प्राइस में जो मिल जाते हैं। तो बस यही था फोन, मैंने सोचा था कि इसका आ गया तो चलो अनबॉक्सिंग करके आपको बता देते कि Mi Mix का क्लोन बन के आया है, तो देख लेते हैं क्या दम है इसमें क्या नहीं। फिर भी 18,000 रुपये में ये जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको अगर इसके लिए 8,000-10,000 रुपये
रुपीज़ तक। लेकिन हाँ, अगर 4 और 64 GB स्टोरेज भी रहता 10,000 के आसपास तो एक्सेप्टेबल होता था, लेकिन 6128 की वजह से प्राइस हाई कर दी, लेकिन प्रोसेसर में जो वो और कैमरे में जो वो मार खा गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। वैसे आप लोगों के लिए फ्यूचर में अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल नेक्स्ट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।